खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के निर्भया केस से लेकर हैदराबाद और फिर उन्नाव की बेटी को जिंदा जलाए जाने की वारदात से लगता है कि देश में कुछ नहीं बदला है। हैदराबाद के एनकाउंटर पर जश्न की तस्वीरें न्याय व्यवस्था को चिढ़ाने वाली हैं, लेकिन उन जश्न की तस्वीरों में सवाल भी है। आज हम आपको उन चार बेटियों की दास्तान बताने जा रहे हैं जिन्होंने देश की न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया। बहुत खुश है, हमारी बेटियों भी आज सेफ है। इसके एनकाउंटर होने से पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि आज लग रहा है कि हमारी बहन बेटियां सेफ है। बहुत अच्छा न्याय मिला है और ऐसी जी और जो भी ऐसा कर्म दुष्ट कर्म करता है उनको ऐसे ही न्याय मिलना चाहिए, तत्काल ऐसा मार देना चाहिए। ना थाना, ना कचहरी, ना कोर्ट, डायरेक्ट एनकाउंटर। एनकाउंटर को कर ही देना चाहिए, रेपिस्टों को एनकाउंटर करना ही चाहिए। पुलिस को ऐसा हक दो कि वो एनकाउंटर ऑन द स्पॉट वो ही स्पॉट पे कर सके। हैदराबाद की बेटी को मिले अनोखे इंसाफ से देश ने सुकून की चंद सांसें ली ही थी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी की मौत ने एक बार फिर से न्यायपालिका के जरिए मुकम्मल इंसाफ को तरसती सांसों की नलियों को सुखा कर रख दिया। तो क्या मान लिया जाए कि रेप, गैंग रेप, महिला उत्पीड़न से प्रताड़ित इस देश में इनकाउंटर के जरिए ही इंसाफ का इंकलाब आएगा? क्योंकि जब न्याय तंत्र से न्याय मिलना हुआ एक अबूझ पहेली, तो देश की महिलाओं ने कहा यही कि एनकाउंटर से मिले इंसाफ पर ही चलो जश्न मनाते हैं। सही हम तेलंगाना जो पुलिस है और तेलंगाना की जो सरकार है वो दोनों का तहे दिल से अभिनंदन करते। बहुत बहुत खुशी हुई, हम उन हैदराबादी पुलिस को हम सलाम करते हैं। मुझे लगता है तेलंगाना पुलिस ने जो डेरिंग दिखाया है, जहाँ भी जिस स्टेट में भी जो बलात्कार होता है वहाँ के स्टेट के पुलिस ने भी ऐसा ही डेरिंग दिखाओ। रेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर जश्न मनाती महिलाओं की तस्वीर को नहीं बल्कि इसकी तासीर को समझने की कोशिश होनी चाहिए। समझना चाहिए कि न्यायपालिका में अनन्य आस्था रखने वाले इस देश ने एनकाउंटर से मिले कथित इंसाफ की लकीर पर फकीर बन जश्न में डूबना ही क्यों बेहतर समझा। पुलिस के साथ उन्होंने भागने की कोशिश की, कस्टडी से पत्थर उठाया, तो पुलिस ने बिल्कुल सही एक्शन लिया है, बिल्कुल सही किया है और एक समाज में नजीर पेश किया है। ऐसे ही हर दिल्ली, हर पुलिस को, राज्य के पुलिस हो, दिल्ली के पुलिस हो, यूपी के पुलिस हो, सबको करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी यूपी पुलिस फेल हो जाती है, मुझे भाग जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। जो उन्नाव में घटना हुई है, बच्ची को जलाया गया है, वो पांचों मुजरिम बेल पे थे, केस चल रही थी, उन्होंने सोचा बच्ची को ही खत्म कर देते हैं। थोड़े दिन पहले यही घटना हुई थी, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी सरकार और पुलिस ने नहीं किया। लेकिन जो आज हैदराबाद पुलिस ने किया है वो करके दिखाया कि नहीं, बच्ची के साथ अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। हमको हैदराबाद पुलिस से सीख लेनी चाहिए। निर्भया की मां ने उन्नाव की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज उठाई ही थी कि उसने भी दम तोड़ दिया। तो ऐसे में इंसाफ की उम्मीद कैसे और कहां तक रखी जाए? क्यों ना देश की जनता इनकाउंटर पर ही जश्न मनाए। और इस जश्न और इस खुशी की भावनाओं को समझना इतना भी आसान नहीं कि जितना दिख रहा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह वो मौत, मातम, दुख, दर्द, पीड़ा, करुणा, विरह, वेदना और संवेदना है जो देश की बेटियों के मारे जाने के बाद या फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाने के बाद महसूस किया गया, जिसको क्रोध, आवेश, आवेग के जरिए संसद तक को महसूस कराया गया। कोई भी हमें नोचे, कोई भी हमें जलाए और कोई भी हमें पानी पेट्रोल फेंक के हमें जला के हमें मार दे, हमारे शरीर को पहले नोचे। We want justice! We want justice! We want justice!
और रेपिस्टों को फांसी देने की मांग अभी रुकी नहीं थी, एनकाउंटर का जश्न अभी थमा नहीं था कि देर रात उन्नाव की बेटी की मौत की खबर ने एक बार फिर से सबको सकते में ला दिया। उन्नाव के आरोपियों के लिए भी हैदराबाद जैसे एनकाउंटर की मांग उठने लगी, मांग प्रखर होने लगी। बहुत दर्दनाक सजा मिलनी चाहिए, इतनी दर्दनाक जितना दर्द वो लड़की सही जल के जैसे जला के उसको मारा गया, इसको भी जला जला के तरपा तरपा के बीच चौराहा पे मारना चाहिए, तब जाके बाकी सब रेपिस्ट को समझ में आएगा कि क्या दर्द आखिर होता क्या है, जब किसी लड़की पे बीतता है तो कैसा दर्द होता है। जैसे उसके साथ हुआ है उससे कहीं ज्यादा उसको कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए, और जैसे उसको जला उससे ज्यादा उसको आरोपियों को कैसी सजा मिली, फांसी और तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। आई एग्री, लेकिन कोर्ट तक अगर ये बात जाएगी तो कोई तो कुछ तो होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ तड़पा तड़पा के डायरेक्ट फांसी दे दो। वही मॉब लिंचिंग करा लेना चाहिए, लोग बीच में खड़े करके लोगों से लड़कियों से मेनली पत्थर से मरवाना चाहिए कि उन लोगों भी समझ में आए कि वो जो जली है उसको कितना पेन होता होगा। कड़ी सजा, हाँ बहुत कड़ी सजा मिले, जैसे वो लड़की तड़प के मरी है उसको भी जला के सबके सामने लड़की उसको अपने से मारे, सब लड़की मिलके मारे उसे, और तड़पा तड़पा के जैसे वो दर्द सही है जल के जैसे उसको भी जलाना चाहिए। मतलब साफ है कि अपराधियों के बुलंद हौसलों पर आघात करने के लिए न्याय तंत्र से रेपिस्टों को फांसी की सजा से इंसाफ की मांग वाली दुविधा एनकाउंटर से न्याय वाली सुविधा में बदल चुकी है। और जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसा हो ही रहा है तो इसकी जड़ में जाकर इसकी मूल भावना को समझना भी जरूरी हो जाता है। देश की चार बेटियों की कहानी और उनके किरदारों को बारीकी से समझना होगा, समझना होगा कि निर्भया से लेकर सेंगर की सताई पीड़िता तक हैदराबाद की बेटी और फिर जलाकर मारी गई उन्नाव की बेटी की कहानी तक कैसे इनके दर्द ने न सिर्फ देश को झकझोरा बल्कि पूरे न्याय तंत्र को हिला कर रख दिया। और बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग एनकाउंटर पर आकर अटक गई, तो फिर इसे समझने के लिए शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। वक्त की सुई को मोड़कर 7 बरस पीछे चलना होगा, जब सत्ता भी दूसरी थी निजाम भी दूसरे थे, लेकिन वैसी वारदात पहली बार हुई थी, वैसा गुस्सा पहली बार दिखा था। हमारे लिए जो 16 दिसंबर तब था आज ही वही है 16 दिसंबर। उस तकलीफ को हमने उसके आंखों में देखा है। इंतजार सिर्फ आंखों को इस बात का है कि उनको कब फांसी पे चढ़ाया। 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया गैंगरेप के बाद आम जनता के बीच से उठे आक्रोश ने संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, बड़े मंत्रालयों से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक लोकतंत्र की तमाम मजबूत मीनारों की दीवारों को न्याय की आस के लिए उठी आवाज ने हिलाकर रख दिया था। फांसी देनी चाहिए, ऑब्वियस बात है, जब कोई रेप करता है तो उसके लिए हमें फांसी तो देनी चाहिए। He should be hanged till death. जब वो कबूल भी कर रहे हैं आप तब भी उनको एक इम्प्रेसमेंट की पनिशमेंट दे रहे हैं, एटलीस्ट हैंग की तो पनिशमेंट दीजिए। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे इतने सारे पुलिस को बुला सकती है हमें मारने के लिए, इन गवर्नमेंट को बोलो कि वहाँ पे उनको रास्ते में भेजो, उनको बोलो सिक्योरिटी करने के लिए, तब जाके हम मानेंगे पुलिस को काम किया है। तब पहली बार बलात्कार के आरोपियों को हैंग टिल डेथ यानी फांसी की सजा की मांग की गई। तब पहली बार मोमबत्तियों ने मशाल का रूप ले लिया था, क्योंकि निर्भया के साथ उन दरिंदों ने वो किया था जिसे कभी किसी ने सोचा नहीं था, तो गुस्सा भी ऐसा फूटा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तेरह दिन तक चली निर्भया की बहादुर सांसों ने नौजवानों की धड़कनों में खून के साथ इंसाफ की मांग का सैलाब दौड़ा दिया था, और नौजवानों ने भी इंकलाब की मुट्ठी यूं बांध ली थी कि मानो वो दिल्ली के दर पर ये कहकर आए थे कि इस बार तो इंसाफ लेकर रहेंगे, और अगर उसके लिए दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में सीने पर पानी की मोटी बौछारें झेलनी पड़ेगी तो हंसते हंसते झेल जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। शरीर की चमड़ी को उधेड़ती लाठियों से वो लड़ गए थे, आंसू गैस के गोलों तक से वो भिड़ गए थे। गवर्नमेंट यहाँ पे इतने सारे पुलिस को बुला सकती है हमें मारने के लिए, इन गवर्नमेंट को बोलो कि वहाँ पे उनको रास्ते में भेजो, उनको बोलो सिक्योरिटी करने के लिए, तब जाके हम मानेंगे पुलिस को काम किया है। वाटर कैनन से पानी की बौछार हुई थी उनके ऊपर,
उसके बाद आंसू गैस के तकरीबन डेढ़ दर्जन गोले दागे गए और उसके बाद लाठी चार्ज कई दौर का हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शनकारी वापस पीछे हटे और फिर से वापस अपने उसी जगह पर इंसाफ की मांग करते हुए सत्ता के उस मुहाने तक पहुंच गए हैं। नॉर्थ ब्लॉक जहां की गृह मंत्रालय है और साउथ ब्लॉक जहां की प्रधानमंत्री का कार्यालय और सामने राष्ट्रपति भवन, उसके सामने देख सकते हैं दूर इंडिया गेट की तरफ से भी छात्र छात्राएं प्लेकार्ड लेकर अपनी इंसाफ की मांग को लेकर लगातार इस तरफ बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने एक बैरिकेड बना रखा है और बैरिकेड के इस पार सुरक्षा कर्मी है, लेकिन वाटर कैनन का पानी खत्म हो चुका है। ना जाने कितने वाटर कैनन की टंकियां खाली होती गई, पानी खत्म होते गए, लेकिन उनकी बौछार इंसाफ के लिए उठी ललकार के सामने बौनी साबित हो चुकी थी। फांसी से कम सुनने और समझने को कोई तैयार भी नहीं था। उम्र के ऐसे कुछ नहीं हो सकता, हम चाहते कि उन्हें भी जिंदा जलाया जा रहा हो, उन्हें भी वही तकलीफ फील हो जो आज वो लड़की फील कर रही है। और आज दिल्ली में जितनी लड़कियां जितने दिल में उनके डर बैठा है, उनके दिल में भी वही डर बैठा है। जो रेपी से उनको हैंग किया जाए, इतना बुरा अत्याचार कर दे, हमको अपने राइट्स चाहिए, वी वांट आवर राइट्स। अगर जो हो चुका है हम वो नहीं बदल सकते, तो जो आगे होगा हम जरूर बदलेंगे। फाइनली कैपिटल पनिशमेंट भी देनी चाहिए, या तो कोई कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट पनिशमेंट देना चाहिए, जल्द से जल्द पनिशमेंट देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंडिया गेट पे यही एक कटघरा का बनाना चाहिए और यही पब्लिक के सामने पनिश करना चाहिए, ताकि एक को पनिश हो तो सारी दुनिया को पता लगे, पूरे इंडिया को पता लगे कि एक ने ऐसा किया है, तो ताकि दूसरा करे, यही पे बनना चाहिए। विरोध के प्रवाह ने परिवर्तन की मांग को इतना प्रखर कर दिया था कि तमाम कानूनों के कान खड़े हो गए। और तब तक हिंदुस्तान में बलात्कारियों को फांसी नहीं होती थी, लेकिन सरकार को संविधान संशोधन करने पर मजबूर होना पड़ा और बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान कानून में ला दिया गया। संसद से जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ। 16 से 18 साल तक के बलात्कार के आरोपियों पर बालिगों की तरह केस चलाने का कानून बन गया, लेकिन वो कानून भी बलात्कारियों के लिए नाकाफी साबित हुई। निर्भया के दोषियों को अब तक फांसी हुई नहीं थी। ना जाने देश में कितनी निर्भयाएं हो गई और सत्ता के रसूख ने सेंगर जैसे दरिंदों को जन्मा स्वअलग, और फिर आज एक और बेटी के दर्द से देश गुजरने को मजबूर खड़ा है। दबाव था गांव छोड़कर चले जाओ, लड़की को यहाँ ना रखो, यहाँ सब लोग ना रहो, गांव छोड़ दो। कौन ये सब बोलता था? ये सब प्रधान बोलते थे और उनके घर के बोलते थे सब लोग। पुलिस के लोग क्या कहते थे? यहाँ रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती थी, यहाँ कुछ भी नहीं होता था, वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देते थे। मेरी भी बेटी है, जब वो शाम को घर आती है तब तक मुझे टेंशन रहती है कि मेरी बेटी घर पे ठीक ठाक आएगी या नहीं आएगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि रेपिस्टों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। मैं चार बार उससे पूछती हूँ कि तू कहाँ पर है, तू कहाँ पर है, तो कोई भी लड़की सेफ नहीं है, दिल्ली के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो। पता ना होगा अगर ऐसे करेंगे तो कानून लागू बनाया, तो कानून को लागू भी करो ना। सब रोड पर आएंगे, ऐसी समाधान निकलेगा एक दिन। और इस मामले में लचर कानून व्यवस्था की कारगुजारी ये रही कि रेप के आरोप में जेल में बंद रहे 5 आरोपी हरिशंकर त्रिवेदी, रामकिशोर त्रिवेदी, उमेश वाजपेयी, शिवम त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी जेल से जमानत पर छूट कर आते हैं और सरे राह पीड़िता को जिंदा जला देते हैं। लेकिन वो बहादुर थी, वो वीरांगना थी। बताते हैं कि 90% जल चुके शरीर के साथ वो जान बचाने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक भागती रही। जरा कल्पना कीजिए, खाना बनाते वक्त थोड़ा सा हाथ जल जाए तो तन बदन में सिरहन सी दौड़ उठती है, लेकिन उसे तो जीते जी जला दिया गया। और ऐसे में कह सकते हैं, नहीं थमती दास्ताएं जिस्म और रूह को जार करने की, और क्या बाकी रह गया दरिंदगी की हद पार करने को। वो यहाँ पे आने के समय ही 60-70% बर्न बताया गया था। यहाँ पे आने से पहले भी यहाँ पे हम लोग आकर टीम ऑफ डॉक्टर्स को यहाँ पे तैयार करके रखे थे। जिंदा लाश तो वो तभी हो गई थी जब उसकी आबरू को 5 दरिंदों ने नोचा था, बस मौत ही बाकी थी। और 5 दिसंबर को सरेराह जलने के बाद मौत ने भी जल्द उसका पता ढूंढ लिया, लेकिन वो फिर भी लड़ी। मौत से जिंदगी की चंद सांसों के लिए पहले लखनऊ में लड़ी, फिर जब शरीर रूह का साथ छोड़ने लगी तो आखिरी लड़ाई दिल्ली में लड़ने की भरपूर कोशिश की गई। पूरी कोशिश करेंगे अपना उनको बचाने की, हालांकि 90% बहुत सीरियस मैटर होता है, इसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं, फिर भी कोशिश पूरी रहेगी हमारी। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें भी काम नहीं आई, चांसेस कम थे तो वो बच भी नहीं पाई।
क्योंकि उसका शरीर 90% जल जो चुका था। हाँ ये जरूर है कि उसके हौसले इंसाफ के लिए आखिरी वक्त तक तड़पे। मृत्यु की शैया पर लेटे लेटे वो आरोपियों को किसी भी कीमत पर ना छोड़ने की बात कह गई, तो सवाल ये कि उसके आरोपियों का क्या किया जाए, फांसी का इंतजार या फिर फैसला ऑन द स्पॉट। मांग तो कुछ वैसी ही है। हम यही कहना चाहते हैं कि आज तक का कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा जो है कि वो लड़की मर गई। अब मरने के बाद जो है हम यही सरकार से मांग करेंगे कि जो हैदराबाद में कांड हुआ है उसी पे या तो इनको दौड़ा करके गोली मारी जाए या इनको फांसी दी जाए, और हमको कोई धन दौलत की और मकान की कोई जरूरत नहीं। आईसीयू में रखा गया जब उसको सांस चल रहा था, जब हम उसको गले लगे और जब रोई, कहने लगे भैया हम बचेंगे नहीं और मरने मत देना। हमने कहा मरने नहीं दिया जाएगा, हम बचा के ले जाएंगे दिल्ली से, हम हार गए नहीं बचा पाए। और अंत में बात ये कि जब तक उन्नाव की बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक इस देश को यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने का ढोंग बंद कर देना चाहिए। बंद कर देनी चाहिए न्याय की वेदी पर इंसाफ की आहुति की बात। बंद कर देनी चाहिए आरोपियों के लिए मानवाधिकार की गुहार। बंद कर देनी चाहिए कानून के कटघरे की मजबूत पकड़ की पुकार, क्योंकि ऐसी स्थिति में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी बेमानी से लगते हैं, कानूनों से विश्वास भी उठने लगता है।